फिरौती मंगण दा काम जिहड़ा हैगा ओह काफ़ी तेजी दे नाल वध रिहा हैगा। एक्सटॉर्शन दीआं धमकियां जिहड़ियां हैगीआं ने खासकर साढ़े साउथ एशियन बिजनेस कम्यूनिटी नूं या साउथ एशियन बिजनेस अदारियां नूं पंजाबी बिजनेस परसनस नूं लगातार जिहड़ी है फिरौती की मंग की जा रही है, पैसों की जिहड़ी मंग की जा रही है। इस मामले के उत्ते काफ़ी चिंता जताई जा रही है। असीं दस दईए कि इहदे विच लेटेस्ट डिवेलपमेंट यह हुई है कि ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन और सरी दी मेयर ब्रेंडा लॉक इन्हां दोनों ने ही काफ़ी ना सिर्फ कंसर्न जताया हैगा बल्कि कैनेडा के पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर डोमिनिक लेब्लांक नूं इस हफ्ते एक चिट्ठी भी लिखी है। असीं दस दईए कि मामला काफ़ी संगीन हो गया है और काफ़ी जिहड़े साउथ एशियन भाईचारे के पंजाबी भाईचारे के जिहड़े बिजनेस परसनस ने उन्हां तों कॉल करके उन्हां तों पैसे की मंग की जा रही है। असी वाई मीडिया वालों अपनी भी कुछ इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की है जिदे तहत के सानू जिहड़ियां खबरां पहुंचियां ने वो भी तुहानूं सांझियां करदे आं। सब तो पहला असी दस दईए कि असी पता किया कि आखिरकार किन्ने क पैसे की मंग जिहड़ी है इस साउथ एशियन बिजनेस अदारियां तो की जा रही है। जो साडे कोल खबर मिली है उसके मुताबिक किसी ने सानू $50,000 दसिया, किसी ने $1,00,000 दसिया, कितों सानू $1,000,000 तक भी मंग जिहड़े पैसे की मंग है वो खबर सानू मिल रही है। इस दे उत्ते असी ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन साहब के नाल भी वाई मीडिया ने खास गलबात की और नाल ही साडे पील पुलिस के डेप्टी चीफ के नाल भी असी गलबात की है। वो सुनाने कि ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन का ये बारे की कहना हैगा और पील पुलिस के डेप्टी चीफ ने वाई मीडिया के नाल अपने जिहड़े विचार ने वो सांझे किए ने। जिते इस मुद्दे के उत्ते असी तुहानू दस रहे हैं कि ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन और पील पुलिस के डेप्टी चीफ का कहना हैगा कि असी लगातार जिहड़ी हैगी है इहदे निगाह बरकरार रखी हुई है और जिहड़ी ये थ्रैट्स की भी गल हैगी है ये बर्दाश्त नहीं होएगी। कि यह सिर्फ धमकियां ही ने या इस मामले कुछ होर वॉयलेंस की जिस तरह तुम सुने डेप्टी पील पुलिस चीफ ने कहा हैगा डेप्टी चीफ जिहड़े पील पुलिस ने कि ना सिर्फ ये धमकियां दी जा रही बल्कि थ्रैट जिहड़ी है वॉयलेंस की की जा रही है। हुण असीं तुहाडे नाल पहला भी शेयर कर चुके हैं वीडियो तुहाडे नाल शेयर कर रहे हैं जिथे कि इस घर के पहला धमकी दी गई उस तो बाद मतलब फिरौती की मांग की गई उस तो बाद बाहर गड्डी के उत्ते कुछ लोग आए और उन्होंने घर के बाहर गोलियां चलाईया। इस तरह कुछ होर बिजनेस अदारियां के बाहर भी गोलियां चलाउण दीआं खबरां मिलियां ने। कुछ जिहड़े बिजनेस अदारे ने उन्हां नूं भी धमकियां दित्तियां गईआं सीगीआं फिरौती की मांग की गई सी और जदों असी पील पुलिस के डेप्टी चीफ नूं पुछ रहे हैं कि की तुहानूं लगता है किसी ने कोई पैसे दित्ते है तो उन्हां दा कहना है कि हजे तक उन्हां कोल ऐसी खबर नहीं है किसी ने पैसे नहीं दित्ते। असी ये दस दईए कि टोटल जिहड़ा इस वेले पील पुलिस का जानकारी हैगी है जिहड़ी पील पुलिस है और उन्हां दा कहना है कि तकरीबन 16 इंसीडेंट जिहड़े ने पील पुलिस ने रिपोर्ट किए ने कि 16 इंसीडेंट हो चुके ने एक्सटॉर्शन के जिन्हां नूं फोन के उत्ते पैसे की जिहड़ी है वो मांग की जा रही है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਗਰੋਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗਰੋਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗਰੋਹ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗਰੋਹ ਨੇ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ कि इहदे पिछे जिहड़ी सिमिलैरिटीज जिहड़ियां ने उह जरूर नज़र आ रही ने जिहड़े इह एक्सटोर्शन या फिरौती की मंग जिहड़े कर रहे ने। इत्थे असीं इह जरूर जिक्र कर दईए कि इस मामले दे विच हुण कैनेडा दे विच जिहड़ी मिनिस्ट्री हैगी आ कैनेडा की पब्लिक सेफ्टी मिनिस्ट्री डोमिनिक लेब्लांक जो इनवॉल्व हुंदे ने ते इह मन्निया जा रहा है कि इस दे विच फिर क्योंकि पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर साहब जे कोई कदम चक्कण ते इहदे विच फिर होर बड़े पैमाने दे उत्ते रिसोर्सिज का इस्तेमाल किया जा सकता है जिस तरह RCMP या फिर इंटेलीजेंस दी जिहड़ी कैपेबिलिटीज़ ने उन्हां दा इस्तेमाल किया जा सकता है और लोकल लॉ इनफोर्समेंट एजेंसी भी उहदे विच शामिल करके इस मामले का हल कढ़िया जा सकता है। असी लगातार साडी निगाह इस खबर के उत्ते बरकरार है तुहानूं लगातार असी वाई मीडिया के उत्ते इहदे बारे अपडेट दिंदे रहांगे।